हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ पकौड़े, एक ऐसा इंडियन स्नैक जो बच्चे से लेके बड़े हर कोई खाना पसंद करता है, स्पेशली जब बारिश हो। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपनी रेसिपी, पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स नीचे बेल आइकॉन और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा। गोभी को फ्रेंड्स मैंने इस तरह पहले ही बड़ा बड़ा काट के रख लिया है, जैसे हलवाई पकौड़े बनाते हैं। आप इसे थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो, लेकिन जो मैरिनेटेड गोभी पकौड़े होते हैं उसमें थोड़े से बड़ा ही डलता है। तो इसको वॉश कर लिया मैंने अच्छे से, तो करते हैं इसको सेमी बॉइल्ड। ये पैन में मैंने पानी गर्म करने रखा है, इसमें डालते हैं अपने गोभी को। बॉइल करना फ्रेंड्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पकौड़े जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। आप डायरेक्ट भी मैरिनेट करने रख सकते हो, लेकिन क्या है वो हल्का सा उसमें आपको हार्डनेस लगेगी पकौड़े में, वो अच्छे से जो हमारा मैरिनेटेड मसाला है वो अच्छे से बीच में मिक्स नहीं होगा। तो हम अपने सारी गोभी को इस तरह एक उबाला दे देंगे ताकि जो गोभी है हमारी, एक उसका फ़ायदा ये भी है वो क्लीन भी हो जाए और दूसरा जो है मैरिनेट जो है हमारा मसाला जो है वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। हमने इसको एक ही बॉईल देना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नहीं देना क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉईल देंगे तो ये गोभी जो है हमारी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसमें डालेंगे अपना एक चुटकी हल्दी। हल्दी इसलिए फ्रेंड्स ताकि जो हमारी गोभी है अच्छे से साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। और 1 टीस्पून नमक। इसको एक उबाले आने तक हमें इसको बस चलाना है, बाद में हम इसको बंद कर देंगे और इसको छान लेंगे। ये देखिए, बस इसको हल्के हाथों से स्टर करना है, बस एक दो बारी, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना नहीं तो हमारी गोभी जो है वो टूट जाएगी। एक बॉयल आने पे गैस को हम बंद कर देंगे। गोभी को फ्रेंड्स मैंने छान लिया है, अच्छे से इसका पानी निकाल लिया और अब हम इसको करते हैं मैरिनेट। एक बाउल लेते हैं, बाउल में डालेंगे 2 टेबल स्पून कर्ड। दही आप घर की भी ले सकते हो फ्रेंड्स, बाहर की भी ले सकते हो। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा। फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। फ्रेंड्स ये आप स्किप भी कर सकते हो, जो लोग गार्लिक नहीं पसंद करते, लेकिन बिलीव मी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चाहे तो इस टाइम आप देगी मिर्च भी डाल सकते हो कलर के लिए, बट मेरी लाल मिर्च बहुत ज़्यादा कलरफुल है, अच्छी है, तो मैंने नहीं डाली, आप डाल सकते हो। थोड़ा सा इसमें धनिया और फिर हम इसमें मिक्स करेंगे अपनी गोभी। इसको हाथों से हम मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। हल्के हाथों से करना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नहीं करना नहीं तो क्या हमारी गोभी जो है वो टूट जाएगी। ये देखिए, और एंड में हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू। आप चाहे तो आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप फ्रेंड्स आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा आपको इसको ओवर ऐसे नहीं हिलाना, नहीं तो हमारी जो गोभी के जो फ्लोरेट्स हैं या गोभी के जो पीसीज हैं सब टूट जाएंगे और पकौड़े बनाने के टाइम वो चूरा चूरा अच्छा नहीं लगेगा, वो सिंगल सिंगल पीस नहीं आएगा। तो इस बैटर को, इसको मैरिनेटेड किए हुए हमने इसको गोभी को 15 से 20 मिनट तक हम इसको साइड पर रखेंगे, फिर इसको करेंगे डीप फ्राई। जब तक मैरिनेशन हमारी रेडी हो रही है फ्रेंड्स, तब तक हम इसके लिए बनाते हैं बेसन का बैटर। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन आप मोटा ही लीजिए फ्रेंड्स, पतला मत लीजिए। पतला जो बेसन है, जो बारीक बेसन होता है, वो हमारे बेसन के लड्डू के लिए जो मीठे वाले होते हैं उसके लिए काम आता है। पकौड़े के लिए हमें हमेशा मोटा बेसन चाहिए होता है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक। नमक फ्रेंड्स ध्यान से, बिकॉज हमने मैरिनेशन में भी नमक डाला था और बॉइलिंग करने के टाइम भी नमक डाला था, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च का फ्रेंड्स ऐसा कुछ फंडा नहीं है, आप अपने हिसाब से जितना आप स्पाइसी पसंद करते हो उतना आप डाल सकते हो। थोड़ी सी अजवाइन। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गई कि जो मैरिनेशन में मैंने दही डाली थी उसके क्या फ़ायदे हैं। एक तो जो उसमें हमने मसाले डाले हैं वो, उससे क्या होगा, दही डालने से वो आपस में सारे मसाले जो है मिक्स हो जाएंगे। दूसरा, दही डालने से क्या होता है, जो हमारे पकौड़े हैं उसमें कलर बहुत अच्छा आता है। कई बार आपने देखा होगा हलवाई जो है उनके पकौड़ों में रेडनेस, जो एक बहुत ही परफेक्ट कलर जो होता है ना, वो उन्हीं के पकौड़ों में आता है, घर पर वैसा नहीं आता। तो एक्चुअल में वो दही की वजह से आता है। तो इस तरह हमने इसको बेसन को हिला लिया। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी फ्रेंड्स धीरे धीरे ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा, जब भी हम अपने गोभी के पकौड़ों को फ्राई करेंगे तो वो सारा जो बैटर है वो सारा नीचे गिर जाए और उसमें अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटरी फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा
ये थिक पेस्ट भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे ड्रॉप होना चाहिए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी डालना है, नहीं तो जो इसकी बेसन की रेशो है वो सारी ख़राब हो जाएगी। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक ऐसा टिप बताऊंगी जिससे जो हमारे पकौड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और जो हम फ्राई करेंगे तो उसमें ऑयल नहीं भरेगा। तो इसमें हम डालेंगे अपना एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल। इससे क्या होगा, जब भी हम पकौड़े बनाएंगे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और जो हमारी मैरिनेशन की हुई जो गोभी है वो भी अच्छे से इसमें घुल जाएगी और जो पकौड़े तलते टाइम इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं भरेगा। अब इस बैटर को फ्रेंड्स हम 15 मिनट तक साइड पे छोड़ देंगे ताकि जो हमारा बेसन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से वो फ्लरिश हो जाए। गोभी को भी हमारे मैरिनेट किए हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे बेसन को भी, तो अब हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करते हैं। चाहे तो फ्रेंड्स आप पहले ही मिक्स कर सकते हो या फिर एक एक करके भी अपने गोभी के पकौड़ों को बना सकते हो, बट मेरी कोशिश होती है कि मैं पकौड़ों को पहले ही बेसन में अच्छे से मिक्स कर लूँ। तो उससे क्या होता है, बेनिफिट जो बेसन है अच्छे से सारा सा लिपट जाता है हमारे जो भी हम सब्जी के पकौड़े बना रहे हैं। तो मिक्स करते हैं अपने गोभी को, ऐसे हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा फास्ट फास्ट नहीं करना फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी गोभी इसमें मिक्स नहीं करी क्योंकि अगर एकदम से मैं सारी गोभी डाल देती तो वो सारी क्रश्ड हो जाती, थोड़ी थोड़ी करके मैंने इसमें डाल दिए। पहले हम इतने के पकौड़े निकालते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप फ्रेंड्स, जब भी कोई भी आप पकौड़े निकालें चाहे वो प्याज के या पनीर के, वो हमेशा आपको मस्टर्ड ऑयल में ही बनाने हैं। ठीक है लोग आजकल रिफाइंड का भी यूज़ करने लग गए हैं, लेकिन जो पकौड़े हैं उसमें जो क्रिस्पीनेस और वो जो रेडनेस आती है ना हलवाइयों जैसी, वो मस्टर्ड ऑयल से ही आती है। तो मस्टर्ड ऑयल आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। तो इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसका टेम्परेचर पहले तो आप बहुत ज़्यादा हाई रखिए, बाद में इसको स्लो पे कर दिए, क्योंकि अब सारे पकौड़े अगर आप हाई टेम्परेचर पे निकालोगे होगा क्या, उससे जो हमारे पकौड़े हैं वो बाहर से तो आपको रेड लगेंगे लेकिन अंदर से वो कच्चे लगेंगे। तो मेरा टेम्परेचर जो इसका ऑयल का है वो मैंने इसको स्लो गैस पे कर दिया है। तो निकाल दें अपने पकौड़े, एक एक करके हम इसको डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे, एक एक करके डालेंगे और स्लो स्लो करके। फ्रेंड्स आपको मालूम है पकौड़ों को हर जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे आप नॉर्थ इंडिया जाएं तो वहाँ पे इसको पकौड़े बोलते हैं, साउथ साइड जाएं तो इसको भजिया बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में जाएं इसको पनोका बोलते हैं। तो हर जगह पे इसको अलग अलग नाम दिया जाता है, है तो ये पकौड़े ही लेकिन नाम अलग अलग दिया जाता है। ये देखिए बिलीव मी फ्रेंड्स, जब भी आप इसको बनाएंगे इसका कलर जो है बिल्कुल हलवाई जैसा आएगा। और इसको बस ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं बनाना, बहुत स्लो पे भी नहीं बनाना, तो उससे क्या होगा ऑयल भर जाएगा हमारे पकौड़ों में। इसी तरह आप कोई भी पकौड़े बना सकते हो, चाहे पनीर के हो चाहे बैंगन के हो, मैरिनेट किए हुए, स्टाइल हमारा यही रहेगा, लेकिन सब्जी हमारी कोई भी हो सकती है। फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हलवाई है ना वो एकदम से एक ही बारी में फ्राई नहीं करते इसको प्रॉपर, हम इसको पहले हाफ फ्राई निकालेंगे। ये देखिए इस तरह सेमी फ्राई इन पकौड़ों को हम एक इस तरह टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। चाहे तो जैसे कई बार गेस्ट आ रहे होते हैं हमारे, हमें लगता है कि पहले ही आधी तैयारी करनी है, तो इस तरह आप आधे फ्राई करके भी निकाल सकते हो, और जब वो गेस्ट आए तो फटाफट से उसको दोबारा से फ्राई किया और उनको खिला दिया, हमारा टाइम भी बचा और क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े भी बन गए। इस तरह ये देखिए हमने सेमी फ्राई करके इसको रख दिया। अब ये जो हमारे सेमी फ्राइड पकौड़े हैं फ्रेंड्स, चाहे तो इसको हाथों से दबाकर भी फ्राई कर सकते हैं या फिर ऐसी सी एक कटोरी लेकर भी हम इसको प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से प्रेस करिए, फिर इसको हम ऐसे अपने डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए धीरे धीरे ऐसे एक एक करके, ये देखिए ऐसे, बहुत ज़्यादा गरम गरम नहीं डालने हैं नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। ऐसे जिस तरीके से मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह बनाएंगे पकौड़े तो आपके पकौड़े जो बिल्कुल हलवाई जैसे बनेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, कितना क्रंचीनेस लग रहा है इनमें, और कलर देखिए कितना अच्छा आया। बस कुछ कुछ टिप्स का आपको ध्यान रखना है, जैसे बेसन को है थोड़ी देर के लिए हमें साइड पे रखना है, मैरिनेट जब भी हमने करा है कोई भी हमने सब्जी को बनाना है पकौड़ों में तो उसको भी मैरिनेट करके हमने 15 से 20 मिनट तक रखना ही रखना है। चाहे तो आप फ्रिज में भी रख सकते हो चाहे आप बाहर भी रख सकते हो, ये डिपेंड करता है हमारे वेदर पे। अगर तो गर्मी है तो आप बाहर भी रख सकते हो, और अगर सर्दियां हैं तो उसको कम से कम आधा घंटा तक तो रखें ही रखें, क्योंकि टेम्परेचर जो है हमारा सर्दियों में फ़र्क होता है। आए ना ये बिल्कुल हलवाइयों जैसा कलर इसमें। अब कोई नहीं कहेगा कि मम्मा हमको बाहर के पकौड़े खाने हैं। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे ना, जब बारिश होती थी और स्कूल से भागे भागे आते थे, तो हमें बस बहाना चाहिए होता था कि मम्मा आज ये सब्जी नहीं खानी हमको, आज हमको पकौड़े ही खाने हैं ब्रेड के साथ,
क्योंकि पकौड़े एक ऐसी चीज़ है ना जिसे बस उसको खाने के लिए हमें एक बहाना चाहिए, उसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो रेडी है हमारे हलवाई स्टाइल पकौड़े, तो टेस्ट करके देखें इसको। फ्रेंड्स आप ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, रायते के साथ खा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मैंने आजकल देखा है इंडियन वेडिंग्स में हमारे इसको मसाला चाय के साथ भी सर्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नीचे बेल आइकॉन और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स को मेरी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी मेरी रेसिपी को इंजॉय कर सके। तो बाय फ्रेंड्स, इसको इंजॉय करिए।